सरकार का खिलाड़ों में चुनावी मुद्दा था कि प्रदेश में हमारी सरकार आते ही सबसे पहले प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। मुख्यमंत्री के बाद भी रेत खनन मामले को लेकर विवादों में जुड़े कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अकाली भाजपा पार्टी की ओर से प्रदेश भर में जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन के धर्मों की कड़ी के तहत जिला कपूरथला में विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। हल पंचायत कपूरथला एडवोकेट परमजीत सिंह परमा की अध्यक्षता में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर 4 घंटे रोड जाम किया गया। इस धरने में जिला कपूरथला के 4 हलकों से MLA मौजूद रहे। सभी वर्गों ने रोष प्रदर्शन धरने में भाग लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों और चुनावी वायदों को पूरा न उतरने पर अपना रोष प्रदर्शन करते हुए रेत खनन मामले को लेकर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने संबंधी एक मांग पत्र पंजाब प्रदेश के राज्यपाल तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम डिप्टी कमिश्नर कपूरथला को सौंपा। कपूरथला से जाग टीवी न्यूज के लिए निर्मल सिंह की। देखो पंजाब के विच जो अज की सरकार है इन्हें इस तरह के काम शुरू किए हैं कि सारे पंजाब के विच हाल-चाल मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। किसान वेख लो उन्होंने झूठा वादा किया सी कि असी बनदियां सारे कर्जे माफ कर देंगे और सब तो वही गल गुप्ता साहब फड़के कैप्टन साहब ने हाथ चुपड़ के कहा सी कि एक महीने के विच नशे खत्म करेंगे, एक महीने के विच पहली कैमरे में कर्जे माफ करेंगे। फिर यह भी कहा सीगा कि किसी नाल कोई बदला खोई की गल नहीं करेंगे, असी इंसाफ करेंगे, लोगों ने असी बड़ी वधिया सरकार देवे। पर दुख की गल जो कहा सी उहदे विच एक भी गल जिहड़ी सी उह पूरी नहीं कर सकी। लोगों ने सोचा बंद कर दी, लोगों के नाल उस जमीन जी है लोगों जमीन चुका जा रही है। किसान अज खुदकशियां क्यों कर रहे हैं? मैं खुदकशियों के हक च नहीं, क्योंकि खुदकशी करनी सब तो माड़ी गल है, पर यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने गुमराह किया गया सी। लोगों ने अपना कर्जा उतारना बंद कर दिता है, किश्तों जो बंद कर दिखा, किश्तों के करके अज बैंकों तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, वो हर क्यों मर रहे हैं। मैं देखा कि किस तरह राणा गुरजीत सिंह ने अपने जोड़े रसोई अमित बहादुर और 3-4 मुलाजम होर है उन्होंने नाव केस 55 करोड़ रुपए दिया खदा लिया। एक पास पहले कह रहे थे कि सारा अकाली दल जो रेत का माफिया बनया हुआ है, सारा रेत का कारोबार अकाली दल बीजेपी के लिए कर रहे हैं। अज जिन्होंने मुद्दा पर इन्होंने इलेक्शन लड़ी से उन्होंने मुद्दा पर आप ही उन्होंने फंसे नजर आ रहे हैं। कोई 3 महीने वाले हुए हैं सारी सरकार ने बनी है। सो एक इस गल का धरना लगाया जा रहा। दूजे नंबर पर जो साडे किसान वीरां दे नाल उन्होंने वादे किए थे कि साडी सरकार बनी तो असीं 1 महीने के विच किसानों के जो लोन आ माफ करांगे, और अज कोई देखा कि कोई लोन नहीं माफ हुआ। अज किसानों दी खुदकुशियां उदा हो रही वा। 71 किसान पिछले 3 महीनों के विच खुदकुशियां कर गया पंजाब के अंदर।